तरन तारण साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने जिस वक्त आनंदपुर साहब का वसेवा छड़िया चमकौर की जंग लड़के माछीवाड़ा लम्मा जटपुरा आलमगीर आदिक स्थानों तो होंदे हुए सतगुरु जी इस अस्थान के उत्ते जिन्हों अज असी श्री मुक्तसर साहिब कहने पहुँचे। इत्थे एक ढाब सी जिन्हों खिदराणी की ढाब कहा जाता सी। इस अस्थान के उत्ते तरन तारण साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 21 बैसाख सं 1762 में मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने पांच पातक तन के विचरदे फैसलापूर्ण आखिरी जंग लड़ी। इस जंग के भी जितने श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के कदमों को चूमिया। जंग की समाप्ति तो बाद जो धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह मैदानी जंग के आए तो सतगुरां ने शहीद होने वाले सिंघां नूं किसी 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 की खिताब दे के सन्मानिया। भाई महां सिंह जी जो जंग में शामिल सन सहक रहे सन उन्हां नूं धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने अपनी अपार खुशियां नाल नवाजिया। उन्हां दे सीस नूं अपनी गोद में रख के पुछया भाई महां सिंह कुरबानी वड्डी है मंगो की मंगदे हो। भाई महां सिंह जी ने एक ही बेनती की महाराज जे त्रुटे हो तो बेदावा पाड़ दिओ। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने इस अस्थान के उत्ते भाई महां सिंह जी की बेनती के उत्ते बेदावा पाड़ के टुटी गंढी और समूह शहीद सिंघां नूं मुक्तियां दी खिताब दे के सन्मानित किया। इस जंग दे विच जिथे महान योधियां सूरबीरां ने महान कुरबानियां कीतियां उत्थे माता भागो जी जिन्हां नूं इतिहास बड़े सत्कार के नाम नाल याद किया करदा है उन्होंने भी इस जंग में शमूलीयत की। सख्त जख्मी होए जिदा इलाज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह ने आप अपनी देखरेख करवाया। तो उदों तो ही खिदराणी की ढाब में मुक्ति का सर जिहड़ा सी कह के वड़ियाया जाण लगा। अज श्री दरबार साहब श्री मुक्तसर साहब की पावन पवित्र धरती है। इस धरती के उत्ते शहीदां सिंघां की महान याद में समर्पित जोड़ मेले माघी मनाए जा रहे हैं। सारी नौजवानी को यही बेनती है कि अपने इतिहास तो सीध लईए गुरबाणी तो सीध लईए नशे तो दूर होइए ताकि साडा जीवन जिहड़ा सुहेला हो सके। थैंक यू।